हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआरजी गेमर। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया होगा, तो आज मैं आपको डायमंड रॉयल, गोल्ड रॉयल, इनक्यूबेटर और कुछ न्यू इवेंट के बारे में बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जो पहली अपडेट है वो है गोल्ड रॉयल की। जैसा कि आपको बताया कि गोल्ड रॉयल में 23 डेज बाकी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेज बाकी हैं, लेकिन फिर भी उसकी लीक्स आ चुकी हैं कि जो हमें न्यू गोल्ड रॉयल मिलेगा वो इस तरह का होगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ग्रीना फ्री फायर वाले, मतलब कि ये फर्स्ट 2019 ही है जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी गोल्ड रॉयल में। चलो आएगा तो तब देखेंगे, लेकिन तब तक आप जमा करें गोल्ड वाउचर जब आए तो, ताकि हम स्पिन मार के फर्स्ट टाइम में ये हासिल कर सकें। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो है इनक्यूबेटर क्योंकि आने वाला इनक्यूबेटर है। तो आज मैं आपको थोड़ी उसकी डिटेल बताऊंगा। जैसे कि आप इंटरफेस में देख सकते हैं कि एडवांस सर्वर में जो दिखाया जा रहा है कि इनक्यूबेटर के आने वाले बंडल, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 ब्लूप्रिंट होंगे। जो अभी आया उसमें शायद 1 है या 2 है, चले जितने भी हैं चले जो आएगा उसकी बात करते हैं। तो इस पर कॉस्ट्यूम तो अच्छा ही शायद पहले आ भी चुका है, लेकिन जो फीमेल का है वो अभी तक नहीं आया। तो उसके बाद जो हमारे जो क्या बोलते हैं उसको ब्लूप्रिंट, वो कुछ इस तरह के होंगे। तो आप देख सकते हैं, लेकिन जो ब्लू प्रिंट राइट वाला तो इस तरह का ही होगा, जो लेफ्ट है वो हमारे पास जिससे गोल्ड टाइप होता है तो वो होगा। तो क्योंकि अलग मतलब कि सर्वर होते हैं, हर सर्वर का अपना अलहदा ही होता है। तो इसकी ये तो जो नेक्स्ट थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो जो इसका बंडल्स होंगे वो ये होंगे जो कि एक ब्लू प्रिंट में मिलेंगे। तो अच्छा है क्योंकि इस तरह का बंडल पहले नहीं आया है, लेकिन इस तरह का नहीं है, मतलब कि इस तरह कलर में। जो कटाना तलवार है ये पहले आ चुकी है हमारे पास, तो चलें जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन अच्छा है इस दफ़ा से तो अच्छे ही हैं। जो कि नेक्स्ट अपडेट है वो है 4v4। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले 4v4 स्क्वाड में आया था जिसमें 2 टीम्स खेलती थी, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा कुछ दिन की अपडेट में। तो ये भी अच्छे होते हैं कि उनसे 2 स्क्वाड होते हैं जो कि आपस में हमें फ़ाइट करनी होती है। तकरीबन 3 से 4 गेमें होती हैं उनके बीच में, और जो ज़्यादा गेमें विन करता है वो विनर होता है। तो इसके बाद आपके बताना चलूँ कि जो कुकिंग टाइप इवेंट है, जैसा कि हमारे पास पहले आते थे मिरर, जिसमें हमारे पास वो जो निकला था क्या कहते हैं उसको, खरगोश था शायद, उसके बाद हमारे पास फार्मस की भी आई थी, इसी तरीके से ये भी है। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें निकलेंगी, हमें ड्रा करना होगा। पहला ड्रा फ्री होता है, बाकी जो सेकेंड ड्रा होता है वो 50 डायमंड का होता है। तो चलें ये भी जब आएगा तब इसकी बात करेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो भी इसी तरीके से ही है, मिरर टाइप। जैसे कि ये फ्राई पैन है, जो नेक्स्ट अपडेट है वो है मिरर पर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी कुछ ड्रा करना है, तो अभी देखेंगे कौन सी अपडेट हमें मिलती है कौन सी नहीं। तो इसमें भी 2 से 3 बंडल्स हैं, कुछ गन की स्किन्स हैं, तो देखेंगे। बाकी सर्वर का हिसाब होता है कि किसी सर्वर में कौन सी इवेंट आते हैं, किसी में कौन से आते हैं। तो जब देखेंगे इंडिया और सिंगापुर में कौन से रीजन में हमें कौन सा इवेंट देते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम डायमंड रॉयल की। तो आप देख सकते हैं कि डायमंड रॉयल की, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि डायमंड रॉयल के जो कंफर्म है कि ये 2 कॉस्ट्यूम आने वाले हैं, तो ये फीमेल का है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और इसके बाद एक है मेल करेक्टर। तो ये वही होगा कि जो 50 डायमंड जो स्पिन होते हैं उस पर हमको देखने को मिलेगा। ये तकरीबन 2 से 3 दिन में जो अपडेट आ रही है उसमें हमें देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं कि रेड शेड की तरह है, और अच्छा है, बुरा नहीं है कि जैसे कि पिछली दफ़ा काफ़ी बुरे भी इन्होंने डायमंड रॉयल में हमें बंडल दिए थे, ये इतना बुरा नहीं है। पर यह कि रेड है थोड़ा दूर से नज़र आएगा, लेकिन थोड़ा हॉरर टाइप बना रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट जो आ रहे हैं ना वो ड्रैगोला के इवेंट आ रहे हैं। तो इसमें अभी आपको मैं दूसरा भी कॉस्ट्यूम दिखा दूंगा जो कि मेल में है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो 999 लिखा हुआ है, पर ऐसा ही 999 डायमंड का होगा नहीं, ये एडवांस सर्वर इसलिए आपको इस तरह का शो कर रहा है। जब ये आएगा तो ये डायमंड रॉयल में ही आएगा, जो कि हमारे 50 से 60 जो कि डायमंड होते हैं ये उस पर स्पिन किया जाता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा कॉस्ट्यूम अच्छा लगा। ये तो था फीमेल, तो इसके बाद एक मेल का भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसमें आपको बताइए कि P90 की भी स्किन आ चुकी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया था कि P90 की डबल डैमेज स्किन आने वाली है। तो मैंने खुद ट्राई की थी पर नहीं निकला, मैंने 300 डायमंड ज़ाया किए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए दी। अच्छा डैमेज है उसका भी, 145 का हेडशॉट अगर दिया जाए तो 145 का हेडशॉट है, पर एक ही का मुकाबला तो नहीं है। लेकिन P90 ये है कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों में यूज़ होती है। तो चलते हैं दूसरे इवेंट की तरफ, बल्कि दूसरे कॉस्ट्यूम की तरफ, जो कि मे जो इसके साथ शो हो रहा है कॉस्ट्यूम वो मेल करेक्टर का कॉस्ट्यूम नहीं है। जो सेकंड कॉस्ट्यूम है वो भी सेम और सेम इसी तरीके से रेड कॉस्ट्यूम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए।
ये है मेल करेक्टर का बंडल जिसमें आपको फार्मर्स भी शो हो रही होगी, लेकिन जो फार्मर्स है वो भी एक अलग से इवेंट में आएगी। हो सकता है कि नेक्स्ट के जो डायमंड वॉचर है उसमें देखने को मिले, लेकिन जब आएगी तो तब उसकी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बंडल्स की जो कि है डायमंड रॉयल में। तो देख सकते हैं ये मुझे फीमेल से ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि फीमेल के जो करेक्टर है ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, तो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो होते हैं मेल करेक्टर की। तो अगर आएगा तो मैं ज़रूर स्पिन करूँगा ताकि मैं हासिल कर सकूँ अगर कम डायमंड में हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 डायमंड में अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, वरना छोड़ देंगे और क्या कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में बहुत शोर होगा तो इसलिए सॉरी। तो बस आज की अपडेट इतनी सी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय फ्रेंड्स।